हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी। जैसे अगर कभी आप बैंक से लेन देन बैंक पे पैसा जमा करना चाहते हैं, बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, आपके पास सेविंग अकाउंट होता है। उसी प्रकार से अगर शेयर को खरीदना बेचना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रेली गियर डीमैट अकाउंट के बारे में, कैसे इसमें अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आप अकाउंट यहां से ओपन करते हो तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहां पे फ्री डीमैट अकाउंट 10 मिनट के अंदर आप यहां पे फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री डिस्काउंट वाउचर आपको यहां पे 10,000 का मिल जाता है। फ्री ट्रेडिंग अप टू 25,000 फॉर फर्स्ट 3 डे से आपको यहां पे मिल जाता है दोस्तों। और ब्रोकिंग चार्ज की बात करें तो ब्रोकिंग चार्ज बहुत ही कम है दोस्तों। फ्री लाइफ टाइम AMC ऑफर्स मिल जाते हैं, फ्री रिसर्च डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसलिए रेली गियर में आपको डीमैट अकाउंट जरूर से जरूर ओपन करवाना चाहिए। तो आज का ये ट्यूटोरियल, जो वीडियो ट्यूटोरियल, एक बेहतरीन ट्यूटोरियल होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि रेली गियर में अकाउंट कैसे ओपन करें। पर ये दोस्तों जो ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो है, ठीक, तो आप इसमें आपको सिखा रहे हैं कि कैसे रेली गियर में अकाउंट ओपन कराना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको करना क्या, सिंपल से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। मोबाइल से कर रहे हैं, लैपटॉप से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, वही बात बार बार कहता हूँ। सिंपल से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना रेली गियर। यहाँ आप देख सकते हैं रेली गियर हमने सर्च कर लिया। रेली गियर सर्च करने के बाद आप आए नीचे आएंगे, देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाए रेली गियर, ठीक, डीमैट अकाउंट का ऑप्शन। सिंपल से डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो डीमैट अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे ओपन एंड अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से ओपन एंड अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना, अपना नेम यहाँ पे डाल देना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे वैसे आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ डाल करके ओपन एंड अकाउंट फॉर RS 500 फ्री, जो 500 वाला अकाउंट था वो अब फ्री में ओपन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना, जो ऊपर पैन लिखा वहाँ पे पैन नंबर डालना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे हेलो राजेश कुमार मौर्य, अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आई कन्फर्म दैट माई नेम ऑन द एड्रेस प्रूफ, ये आपका आपको यहाँ पे यस कर लेना। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड है, सिंगल है, रिलेशन टाइप आपका क्या, फादर है तो फादर का आपको यहाँ पे नाम डाल देना होगा, देन आपको मदर का नेम यहाँ पे डाल देना होगा। एजुकेशन आपकी क्या है, प्रोफेशनल डिग्री आपकी क्या है, तो आप यहाँ पे जो भी आप मास्टर डिग्री, जो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या गवर्नमेंट या बिजनेस आपका जो भी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको कॉन्टैक्ट नंबर रेसिडेंट, मतलब जो यहाँ रह रहे हैं उसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दे देना होगा। रेसिडेंट बिजनेस आपको यहाँ पे जो भी आप बिजनेस हैं या रेसिडेंट बिजनेस है, रेसिडेंटियल हैं, रजिस्टर ऑफिस है आपका, जो भी है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस 1 आपको यहाँ पे डालना, लाइन एड्रेस 2 यहाँ पे, 3 आपको पिन कोड यहाँ पे डालना, स्टेट आपका जो भी वो यहाँ पे फीड कर लेना, सिटी आपका क्या वो भी आपको यहाँ पे डालना है, एनुअल इनकम आपकी क्या, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है और कम्युनिटी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है, ये सब पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ देखेंगे अब आपको यहाँ पे IFSC कोड अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। उसके लिए आपको लिंक योर बैंक अकाउंट पे IFSC कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। अकाउंट टाइप आपका क्या है, यहाँ देख सकते हैं, चलिए हम IFSC कोड डाल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर आपका हम दिखा दे रहे हैं IFSC कोड डाल करके, ताकि आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करनी पड़े दोस्तों, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को ज्ञान देना। अब यहाँ देख सकते हैं हमने IFSC कोड डाल दिया, देन आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, ओके कर देना। जहाँ देख सकते हैं अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, देन आपको री अकाउंट कन्फर्म करने के लिए आपको री अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, करेंगे अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि अब आपको यहाँ पे बताना होगा कि किसमें आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश होने का वेट करते हैं थोड़ा। यहाँ देख सकते हैं यू आर ऑलमोस्ट देयर, इक्विटी कैश एंड म्यूचुअल फंड में NSE BSE में आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास कूपन तो आप कूपन डाल दिए, वरना आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक
कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करना चाहते हैं यस कर लेना, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ देखेंगे अपलोड योर सिग्नेचर, अगर आप अपलोड करना चाहते हैं सिग्नेचर तो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड सिग्नेचर करने के लिए आपको सिंपल से अपलोड योर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं ब्राउजर फाइल में, तो वहाँ से ले भी सकते हैं। कैप्चर करने के लिए सिंपल से कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ कैप्चर अलाउ करेंगे आपका यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा चालू हो जाए, तो यहाँ टेक फोटो लेकर के आप कर सकते हैं। देन अगर आपको कैमरा नहीं तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड योर सिग्नेचर ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जहाँ भी आपका सिग्नेचर हो तो वहाँ से आप सिग्नेचर को ले सकते हैं। चलिए अगर डिजी लॉकर से, अगर आप इसको डिजी लॉकर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिजी लॉकर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर डिजी लॉकर में आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपलोड योर डॉक्यूमेंट मैनुअली, यहाँ से डॉक्यूमेंट को मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए अपलोड योर डॉक्यूमेंट मैनुअली भी आपको क्लिक करना होगा। अपलोड योर पैन, आप यहां से सिंपल से अपलोड योर पैन पे क्लिक करेंगे, सिंपल से जहां भी पैन कार्ड होगा आपको वो पैन कार्ड ले लेना होगा। पैन कार्ड लेने के बाद आप यहां पे नेक्स्ट वाले पैन नाम डाल देना होगा। नाम डालने के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक कर लेना। चलिए हम यहां पे नाम डाल दें, नाम डालने के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक कर लेना। जैसे आप नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पैन कार्ड अपलोड हो गया। अब आपको अपलोड एड्रेस प्रूफ अपलोड करना, सिंपल से अपलोड एड्रेस प्रूफ में करेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करेंगे। अब यहाँ पे इंटर लास्ट डिजिट, जो आधार कार्ड की लास्ट डिजिट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी होंगी। चलिए वो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। देन आपको अब यहाँ पे फ्रंट आधार कार्ड का फ्रंट फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना, बैक का फोटो यहाँ पे अपलोड करना। देन अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं आपको ओके कर लेना, जैसे आप ओके करते अलाउ कर लेना होगा, फिर से आप अलाउ करेंगे। अपलोड योर फोटोग्राफ, अपना फोटोग्राफ अपलोड करना, सिंपल से कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब यहाँ से अपनी एक फोटो अपलोड कर लेनी, देख सकते हैं हम अपने फोटो ले रहे हैं। सिंपल से हमने टेक फोटो पे क्लिक किया, देख सकते हैं हमने एक फोटो अपनी ले ली। इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप करने के बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे, देख सकते हैं क्रॉप करने के बाद आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल हो गया, सबमिट हो गया। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इंटर वेरिफिकेशन कोड, अब आपकी मेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपको डाल करके यहाँ पे देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यू आर जनरेटिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्लीज वेट, यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो वो जनरेट किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं योर डॉक्यूमेंट हैज बीन जनरेटेड, ठीक। अब आपको क्या करना है, ई साइन हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देख सकते हैं NSDL की वेबसाइट ओपन होकर के आ गई। देन आपको यहाँ पे टिक कर लेना, टिक करने बाद जो आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सक्सेसफुल ओटीपी वेरीफाई, यहाँ देख सकते हैं आपका ओटीपी जो दोस्तों सक्सेसफुल हो जाएगा। अब फाइल हैज बीन साइन एंड सक्सेसफुल अपडेट, देन आपको यहाँ से ओके
कर लेना। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट योर डॉक्यूमेंट हैज बीन ई साइन हो गया, देख सकते हैं पूरा आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। देन आपको क्या करना है, सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर लेना। आप यहाँ देख सकते हैं बधाई हो योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट, यू विल रिसीव ऑन, यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो भी आपका अपडेट होगा दोस्तों रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मिलता रहे। अब आपने यहाँ पे पूरी डिटेल फिल कर ली, जाहिर सी बात है जब आप अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डिटेल को अपलोड करेंगे, तब जो बैंक वाले हैं, जो रेलिगियर फाइनेंस वाले हैं, जो डीमेट अकाउंट वाले हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, उनको लगेगा आपको डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट है, एकदम सही इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड की है, तब जाकर के आपकी मेल आईडी पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड भेज देंगे। जब यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो आप जाकर के लॉगिन करिए, अपना ट्रेड स्टार्ट करिए, सीखिए और कमाइए दोस्तों। शेयर मार्केट में पहले सीखना होता है, 2-3 साल पहले आप सीखिए, तब उसी के पास आप अर्न कर पाएंगे। अगर पहले पैसा आप ज़्यादा लगा देंगे तो आपका लॉस होना निश्चिंत ही है दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, बाय बाय।